तो यहाँ पे हमारे पास सीबीएसई में पूछे गए, सीबीएसई 10th एग्जामिनेशन में पूछे गए मैथ्स का क्वेश्चन है जिसका मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ, जो आज सुबह पूछा गया उस पेपर का। इसमें जो बहुत छोटे क्वेश्चंस हैं उसका मैं डायरेक्ट यहीं पे सॉल्यूशन कर दूंगा, और जो बड़े क्वेश्चंस हैं उसको मैं अलग से डील करूंगा पेपर पे, आपको बिल्कुल समझाते हुए फुल एनालिटिक सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो आप धैर्य के साथ हमारे साथ बने रहें। चलिए आइए तो देखते हैं कि क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर हैं, और दोनों साइड्स का रेशियो दिया हुआ है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एरिया का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो डेट मीन्स जब आप 1/3 का स्क्वायर कर देंगे, अगर आपने स्टेपिंग के साथ इसको लिखा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू एबी बाय पीक्यू का स्क्वायर, या अलग से आपने एबी स्क्वायर बाय पीक्यू स्क्वायर करके और 1/3 का 1/9 किया है स्क्वायर करके, देन यू विल गेट द मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23 का वैल्यू क्या होगा? तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर 23 को 90 से घटाते हैं, यानी कि जैसे ही आप इसको आप घटाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23। तो इसको मैं आपको बिल्कुल तोड़ के बता रहा हूँ। तो इसका जो वैल्यू है वो इसका वैल्यू जीरो आने वाला है। कैसे? तो जैसे ही आप साइन स्क्वायर 23 यानी कि जैसे ही आप साइन 23 को कॉस में बदलोगे तो वो हो जाएगा कॉस 63। कौन से फॉर्मूला से बदलेंगे? तो कॉस 90 माइनस थीटा के फॉर्मूला से। तो कॉस 90 माइनस थीटा जैसे ही अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे ये हो जाएगा साइन 23 बदल जाएगा कॉस 67 में। तो कॉस 67 में कन्वर्ट होने के साथ ही हम इसको साइन 90 माइनस थीटा लगा देंगे इसमें साइन 90 माइनस 67, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस 67 में। तो कॉस स्क्वायर 67 फिर कॉस स्क्वायर 67 दोनों सेम वैल्यू होने की वजह से कट के जीरो हो जाएगा। मैंने कन्फ्यूजन में एक लिख दिया था, फिर अभी मैंने रिमाइंड करके इसको बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए डायरेक्ट भी फॉर्मूला आता है, अगर आपने डायरेक्ट भी लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपने अगर ऐसे घटा के डिस्टेंस फॉर्मूला भी लिखा है सब्ट्रैक्ट करके, देन यू विल गेट द मार्क्स। यानी कि इस तरह से अगर आपने लिखा है एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर का रूट फिर एक्स माइनस जीरो यानी कि एक्स का स्क्वायर, आपने इतना तोड़ के लिखा है, या फिर आपने अगर डायरेक्टली भी लिख दिया है थोड़ा सा एक लाइन इंक्लूड करके डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऐसे करके, अगर आपने एक लाइन क्रिएट करके डायरेक्ट भी आंसर लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स का वैल्यू 3। एक चीज़ और, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल एनालाइज किया है, बिल्कुल उसको पेपर पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्स इज इक्वल टू 3 द्वितीय, तो एक्स इज इक्वल टू 3 एंड ये जो है जो वन रूट है इसका दिया हुआ, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए के का वैल्यू निकालिए। तो जैसे ही आप इसमें 3 पुट करोगे तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गया तो 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 6 गया तो 3 माइनस, फिर यहाँ एक्स का वैल्यू 3, तो 3 टू जहाँ 6, 6 के इज इक्वल टू 0। अब 6 के उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 के इज इक्वल टू 3। तो जैसे ही के हमको निकालना है तो हम 3 को बटा में डाल लेंगे, तो 3 से 6 2 बार का कट जाएगा, तो इसका आंसर के का वैल्यू हाफ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो हमारा है वो 2 है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, तो 2 और 4 का जो एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 2, देन द राइट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एपी का, इसको देखिए मैंने यहीं पे बनाया है, थोड़ा ये था लंबा टाइप का। तो इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू -4 एंड द सेवंथ टर्म ए सेवन इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो हम फॉर्मूला जानते हैं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ टी एन के बदले ए सेवन दिया है, तो ए सेवन हमने डाला, अभी वैल्यू भी डालूंगा इसके बाद ए प्लस, अब सेवन एन का वैल्यू हमने यहाँ सेवन पुट किया, सेवन माइनस वन इंटू डी, अब ये सेवन माइनस वन सिक्स हो गया। अगले स्टेप में हमने क्या किया, ए सेवन का वैल्यू यहाँ से उठा के 4 डाल दिया, इज इक्वल टू ए का ऐसे ही रहने दिया ए प्लस 6, और फिर डी का वैल्यू -4 डाल दिया, तो यहाँ हो गया -24, और -24 इधर आके दे दिया मुझे 28, -24 प्लस 4 प्लस 28। सेक्शन बी में हम आते हैं। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन आई थिंक फसाऊ था, ये क्वेश्चन अगर आपने बहुत ज़्यादा गौर किया होगा तभी ये आपका सही जाएगा।
एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम बिटवीन 1 और 100। तो इसमें 100 संख्याएं नहीं, इसमें हमें 98 संख्याएं लेनी थी, क्योंकि बिटवीन 1 और 100 बोल रहा है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडमली बिटवीन 1 और 100, यानी कि 2 से 99 तक, यानी कि 98 संख्या इसमें आनी है, 98 संख्या 1 और 100 के बीच, ठीक है। तो 1 और 100 के बीच ऐसे अगर लिखता है 1 से 100 तक, तो फिर हम 100 लेते हैं, लेकिन बोल रहा है 1 और 100 के बीच, तो 2 से चालू करेंगे 99 तक जाएंगे, तो टोटल 98 संख्या ही होगी। अब 8 से डिविजिबल, तो 8 से डिविजिबल 96 तक होता है ना, 12 संख्या 12 संख्या, तो 8 से डिविजिबल जो होगा वो होगा 12/22 को बढ़िया से बनाना था आपको, लिखते नंबर्स डिविजिबल बाय 8, तो 8 16 24 ऐसे डॉट डॉट करके 96 तक ले जाते हैं, फिर उसकी संख्या निकालते हैं। अगर आपने डायरेक्ट भी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर का ही मार्क्स है, तो स्टेपिंग थोड़ा सा चाहिए इसमें। तो 12/98 यानी कि इसका मार्क्स 6/49 आना था, और फिर 8 से नॉट डिविजिबल, तो एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी, फुल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और एक प्रोबेबिलिटी हमने 6/49 निकाल लिया, तो हम 1 से 6/49 जब हम घटा देंगे तो ये हमारा 43/49 हो जाएगा। सो डैट ये बिल्कुल सही जाने वाला है, 6/49 और 43/49 अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आ सकते हैं मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, वहाँ पे भी कुछ अर्ग करेंगे, अगर कुछ सॉल्यूशन निकले तो फिर बात किया जाएगा उस पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आइए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है दो डाइस जो है जो टॉस किया जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप दो डाइस को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस में टोटल 36 पॉसिबिलिटी आएगी, 6×6, जैसे कि आप 2 सिक्के उछालते हो, 3 सिक्के उछालते हो, तो उसका टोटल हो जाता है नंबर 2×2×2 8। तो यहाँ पे 2 पासा यानी कि 2 डाइस हमने फेंका है, 1 डाइस का पर 6, तो 2 डाइस का टोटल 36 बन जाएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर ऐसे ही करके 1 6 तक। अब बोल रहा है कि डबलेट, तो टोटल 36, डबलेट मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, एंड सो ऑन 6 का 6 के साथ, तो टोटल इसमें 6 पेयर बन जाएगा। प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 6/36 यानी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, सम होना चाहिए 10, ओके सम होना चाहिए 10, तो 4 का 6 के साथ बन जाएगा, 5 का 5 के साथ बन जाएगा, 6 का 4 के साथ बन जाएगा, है ना, 4 का 6 के साथ, 5 का 5 के साथ, और 6 का 4 के साथ, और कोई नहीं बनेगा। 1 1 तो 6 के साथ भी चला जाएगा तो 7 देगा उसी तरह से, तो केवल 3 ही इसमें बनेंगे, तो 3/36 यानी 1/12 इसका आंसर जाना था। अगर आपने 1/6 और 1/12 निकालना है देन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इसमें देखिए क्या है, पी का सबसे पहले निकालना था रेशियो, तो कुछ नहीं था, देखिए कितना हल्का था, यहाँ पे ए 2 3 और बी 6-3 और यहाँ पे 4 और एम दिया हुआ था, ओके तो एक्स वाले कोऑर्डिनेट से फॉर्मूला होता है ना डिवीजन, ये जो डिवीजन फार्मूला होता है, एक्स इज इक्वल टू एम एक्स 2+nx1/m+n, ओके तो इसमें मैंने क्या किया, एक्स का वैल्यू 4 रख दिया और एम का वैल्यू एम रहने दिया, मतलब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये एम वो वाला एम नहीं है, ये एम फार्मूला वाला एम है। अगर आपने इसको एक्स वाई करके भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स 2 का वैल्यू मैंने यहाँ से 6 रखा तो 6m, एन का मैंने एन रखा, एक्स 1 का वैल्यू 2 रखा, फिर नीचे एम प्लस 1 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैंने किया तो मुझे एम और एन, आप अगर वीडियो देख के इसको रोक के अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप देख लेंगे, एम एन का रेशियो 1:1 आ गया। अगर आपने डायरेक्टली ऐसे भी देखा 6+2/2 इज इक्वल टू 4, तो 1:1 आप वैसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, और m का फिर वैल्यू पूछ रहा है, तो जब मुझे पता चल ही गया कि दोनों का रेशियो 1/1 है, यानी कि ये जो मिड पॉइंट है p हमारा, तो सीधे अब इसको निकालने के लिए m को हमको ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, सीधे इसको ऐड करके /2, तो जैसे ही हमने -3 और +3 को ऐड किया तो हमारा वैल्यू 0 आ गया, तो m का वैल्यू इसमें 0 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव डैट
5 plus 3 root 2 is an irrational number if it is given that root 3 is irrational. तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, root 2 is equal to irrational दिया हुआ था, तो 3 root 2. हम जानते हैं rational into irrational, rational into irrational हमेशा irrational होता है, तो यहाँ पे आपको show करना था 3 rational root 2 irrational is multiplication में irrational. और 5 प्लस 3 रूट 2, तो 5 हमारा रेशनल हो गया, 3 रूट 2 इरेशनल हो गया, तो रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, हमको इरेशनली प्रूव करना था, तो यहाँ आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी हल्का इजी क्वेश्चन था. x प्लस वाई का वैल्यू 30, x माइनस वाई का वैल्यू 14. अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वाई कैंसिल हो जाएगा, 2x का वैल्यू 44, x का वैल्यू 22. अब हम फ्रॉम फर्स्ट से आ सकते हैं, x का वैल्यू 22, तो वाई का वैल्यू निकालने के लिए 30 में 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 8. इसको थोड़ा सा और मतलब लिख के बनाना था, बट वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्टली इसको बनाया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3. तो फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस डॉट 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 प्लस 8 टर्म्स, है ना, 8 टर्म्स. तो 8 टर्म्स, तो a का वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस भी इसका 6 माइनस 3 यानी 3 ही है, n का वैल्यू 8 है, वैसे n का फॉर्मूला लगा देंगे, sn इज इक्वल टू n बाई 2 होता है, 8 है, 8 बाई 2, फिर होता है 2a, 2 इन टू ए का वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 इन टू 3. तो ये कट गया चार बार का, फिर यहाँ क्वेश्चन 3 टू जै 6 और 7 3 जै 21, फिर ये 27 हो गया, 27 4 जै 108. अब इसका जो सेक्शन सी है यानी कि 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, इसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो देने जा रहा हूँ, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. मैंने किया है बिल्कुल इसका सॉल्यूशन, और अभी चूंकि सॉल्यूशन में थोड़ा टाइम है तो आपको बस मैं लगभग 10 से 15 मिनट में या फिर इसमें अभी तो डिस्क्रिप्शन डाल ही दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नीचे का जो मैंने फुल एनालिटिक सॉल्यूशन किया है वो भी जाके आप देख लो, उसका भी मैं वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने, तो जाइए और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और लिंक देख के और जाइए. और अगर आपको पता नहीं है कि कैसे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखा जाता है, तो यहीं पर मैं एक फ्लैश कर देता हूं इसके बाद का. यहां पे आपको एक डब्बा दिख जाएगा और डब्बे में फिर आप टच करके आप बिल्कुल इस सेक्शन में चले जाओगे, ठीक है. तो आप वो डब्बा भी टच करके आप इसके 3 मार्क्स और 4 मार्क्स वाले सॉल्यूशन में जा सकते हो, जिसको मैंने फुल एनालिटिक रूप से सॉल्यूशन किया है. तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट. अब देखिए मेरा नेक्स्ट वीडियो.